वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ नवरात्रि का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। आज हम मॉर्निंग है तो मैं पूजा के लिए सारी मैंने तैयारी कर दी है। तो चलिए आप भी हमारे साथ देखिए मैं कैसे माता जी को सजाती हूँ, उनका श्रृंगार का सामान का पूजा का सामान मैंने कैसे इकट्ठा किया है और पूजा कैसे करने जा रही हूँ। तो चलिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबके दुखों को कष्टों को दूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये देखिए मैंने ये थाली सजाई है पूजा की। एक में है माता जी के लिए फूल, मेवा, ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट, और दूसरी प्लेट में है श्रृंगार का सामान, और साथ में मेरी दुर्गा जी जो अष्टातु की उनको मैंने कटोरी में लिया है और जल से स्नान करा रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे और कहीं स्पेस नहीं है तो मैं टेबल पर ही कर रही हूँ, फिर बाद में इन्हें रख दूंगी। फिर अच्छे से इनको एक साफ कपड़े से पोंछ लूंगी। देखिए जैसे हम नहाते हैं वैसे ही अपने भगवान को भी हम नहलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, को भोग लगाते हैं। तो अब इन्हें थाली में रख लूंगी, इनको मैंने पोंछ लिया है स्नान करने के बाद। और ये चुन्नी जो मैंने बनाई थी ये लिए बहुत सुंदर चुन्नी लग रही है। और ये देखिए मैंने कुछ कपड़े लेके आई थी, घाघरा और चोली छोटी सी नए स्टोर से, मुझे बहुत अच्छी लगी तो चलिए मैं इन्हें पहनाती हूँ। ये देखिए ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, पिंक हो या ऑरेंज हो या ग्रीन हो, माता जी पे तो सारे ही कलर अच्छे लगते हैं। तो बस इनको ऐसे नीचे से पहना के पीछे रिबन है इसको मैं टाइट कर दूंगी। वाह कितनी सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल। ये देखिए ये मैंने कर दिया है टाइट इसको। अब जो इनका छोटा सा एक दुपट्टा है कहिए या फिर इसके साथ ही ये मिला हुआ है, अब देखते हैं सुबह सेट करना है ताकि ये गिरे भी ना। ऐसे करूं या फिर वैसे समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक मुझे ऐसे करना होगा, लेकिन इसमें कुछ आगे स्टेपलर या फिर कोई पिन वगैरह कुछ लगाना होगा नहीं तो ये गिर जाएगा। तो चलिए इसमें स्टेपलर लगा लेते हैं, इसको अंदर से डालते हैं, चेक करते हैं कैसा लगेगा इन पे। ये मेरा बेटा बीच में देखो, माता जी का कुछ भी उठा उठा के कहीं मुंह में डालने जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मैं उसे डांट रही थी। तो ये देखिए मैंने चुन्नी इनको पहना दिया, स्टेपलर कर दी, और जो चुन्नी मैंने बनाई थी वो भी मैंने इनको बहुत बड़ी लगी, तब भी बहुत बड़ी थी, मैंने इनको डबल करके उसमें भी स्टेपलर लगा दिया। देखिए माता जी भी मेरी रेडी हो गई, और एक छोटा सा माला है जो कि रेडीमेड है, ये रेड कलर का, लेकिन ये आएगा नहीं तो मैंने ग्रीन कलर का बनाया हुआ था, वो मैं इनको पहना देती हूँ। फिर से एक बार बनाया, फिर से इसको बना दिया। ये देखिए रेडी हो गई है, बस हम पूजा के लिए रेडी रहते हैं, हमारी प्लेट भी रेडी है पूजा की। माता जी को सफेद कलर की चीजें बहुत सकती है, तो मिठाई हो या फिर मेवा ड्राई फ्रूट हो बहुत पसंद है। ये है तांबे का, उसमें जल और उसमें पैसे डाल दिए, साथ में नारियल है, उसमें चुन्नी लपेट दी मैंने, तो उसमें लगा दूंगी सिंदूर इस जल वाले लोटे में। कैसे लोटा नहीं रखते हैं, ओम लिखते हैं, फिर सिंदूर लगा दिए थोड़ा सा, और इसमें रख दिया है मैंने अपना नारियल। बस अब रेडी हूँ मैं पूजा करने के लिए। चलिए इसको स्थापित कर लेते हैं पूजा के जगह, बैक साइड में रखा है क्योंकि गिर जाएगा। मेरे हस्बैंड पूजा भी करना है क्योंकि वो 9 डेज का फास्ट रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है पूजा का। और अपनी माता जी को एक चौकी है प्यारी सी, उसमें मैं इनको स्थापित कर दूंगी। ये देखिए तो बस वो अपने स्थान पे आ गई है, बहुत सुंदर लग रही है। और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ डेकोरेशन भी कर दिया है, दियों से फ्लावर भी चढ़ा दिए हैं,
और एक दीपक भी चल रहा है, पूजा चल रही है ऑलरेडी हस्बैंड की। एंड अब मैं अपनी पूजा करूँगी। ये देखिए श्रृंगार का सामान है, ये साइड में रख दूंगी। और ये पूजा की थाली है, रेडी की है। फ्रूट है इसमें, फ्लावर हैं, अक्षत हैं हल्दी से कलर किए हुए। तो ये सब मैं पहले इनको फ्रूट चढ़ाऊंगी, माता जी को यहीं पे रख दूंगी। उसके बाद सिंदूर लूंगी, माता को सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर रोली कुछ भी आप लगाइए, उनको सारे ही भगवान को मैं लगा दूं कि मैं पूजा कर रही हूँ मॉर्निंग की। और ये देखिए ये है अक्षत हल्दी वाले, ये भी इनको डालवा दूंगी हल्का सा। और बीच में मेरा बेटा ये ट्राइपॉड रखा हुआ है कैमरा, जिससे मैं एडिटिंग वीडियो कर रही हूँ, बना रही हूँ, टच कर रहा है। ये है मेवा, मखाने हैं इसमें, किशमिश जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप भोग लगा दीजिए माता को। ये गुलाब का फूल मेरे गार्डन में लगा हुआ था, मैं लेके आई, बहुत अच्छा लग रहा है, उन पर चला दिया, सारे फूल चला देती हूँ मैं। फिर धीरे धीरे करके सारे फूल चला दिए, तो पूजा हो गई है। गणेश आरती करूँ, कोई भी आरती करिए, जय अम्बे गौरी या फिर दुर्गा जी की, सारी आरतियाँ बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मैं दुर्गा कवच पढ़ूंगी, उसकी मेरी पूजा हो जाए कम्प्लीट। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपिण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। आपको अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माँ सबके कष्टों को दूर करे, सबकी मनोकामना पूर करे। जय माता दी। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।